कहते हैं कि एक बेटी का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है उसका पिता। बेटी को कोई भी तकलीफ हो तो पिता हर मुश्किल को दूर करने में लग जाता है, लेकिन जब वही पिता अपनी बेटी की मुश्किल बन जाए तो जिंदगी नर्क बन जाएगी। एक मासूम जिसकी जान के पीछे उसका ही पिता पड़ा हुआ है, आखिरकार उसने अपनी बच्ची तक को नहीं छोड़ा। मध्य प्रदेश के गुना से एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे सुनकर रूह कांप उठेगी। एक 8 साल की मासूम जो अपने पिता को सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसे क्या पता था कि वही पिता उसकी जान के पीछे पड़ जाएगा। दरअसल यहाँ एक 8 साल की बच्ची की लाश कुएं में मिली, उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। बता दें कि बुधवार से बच्ची लापता थी, फिर बच्ची की गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखाई गई, फिर बच्ची का शव शनिवार को एक कुएं में मिला। बच्ची के हाथ पैर तौलिए से बंधे हुए थे। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच की। उसके बाद जो खुलासा हुआ उसने सबको हिला के रख दिया। जांच में पता चला कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि उस बच्ची का पिता है। बताते चले कि बच्ची के गायब होने के बाद उधर गांव वालों को आशंका थी कि बच्ची नाले में गिर गई होगी, तेज बहाव से बह गई होगी, जिसके बाद पुलिस ने SDRF टीम को बुलाया था। 3 दिन तक बच्ची की तलाश की गई। इसी बीच शनिवार को बच्ची का शव कुएं में देखा गया। पुलिस ने शव निकाल कर उसका पोस्टमार्टम कराया। जांच में पता चला कि बच्ची का पहले रेप किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद बच्ची का शव घर वालों को सौंप दिया गया। TI ने बताया कि रविवार को बच्ची का अंतिम संस्कार होने के बाद पिता को हिरासत में लेकर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की। आरोपी पिता ने बताया कि वो अपनी बेटी से नफरत करता था और उसे मार डालना चाहता था क्योंकि वो लड़का चाहता था और उसे लड़की हो गई। फिर उसने बच्ची को खेत में ले जाकर उसके साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने बच्ची के हाथ पांव तौलिए से बांधकर उसके शव को कुएं में फेंक दिया।